नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बाउंड्री पार और आपने हमें बहुत प्यार दिया और उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। आज हम आपसे क्रिकेट की बात करेंगे, आज हम टेनिस की बात करेंगे, लेकिन टेनिस की बात क्योंकि डेविस कप से संबंधित है वो ज़्यादा ज़रूरी है, पहले डेविस कप पर ही बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। डेविस कप मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच जो होना है अगले महीने इस्लामाबाद में सितंबर के अंदर, तो वहाँ पर भारतीय खिलाड़ी जाने को इच्छुक नहीं हैं और ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मंशा से अवगत कराया था ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन को, AITA ने लिखा है आगे ITF को, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को, और ITF ने उसके बाद सुरक्षा इंतजामों का जायज़ा लिया इस्लामाबाद में, वेन्यू का जायज़ा लिया, और अब भारतीय खिलाड़ी कह रहे हैं कि वो तो सुरक्षा का जायज़ा आपने पहले लिया था, अब धारा 370 जो कश्मीर से हटाई गई है उसके जो रेपरकशन है, जो परिणाम या ये कहिए कि जो रिएक्शन पाकिस्तान से देखने को मिल रहे हैं उसके बाद जो है स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं और ऐसी स्थिति में उनका वहां जाना ठीक नहीं होगा, जोखिम भरा होगा और वो अपने आप को कम्फर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। ऐसा भारत के जो गैर खिलाड़ी कप्तान है, नॉन प्लेइंग कैप्टन महेश भूपति, उन्होंने ऐसा कहा है। उनकी चिंता अपने आप में जायज़ भी है और उन्होंने कहा है बड़े साफ शब्दों में कि या तो वेन्यू बदल दीजिए या फिर इसको पोस्टपोन कर दीजिए कम से कम 2 महीने आगे। तो मैं इसके लिए भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ़ करूंगा, भारत के कोच की तारीफ़ करूंगा, नॉन प्लेइंग कैप्टन की तारीफ़ करूंगा, क्योंकि AITA के पास जो कुछ AITA ने खिलाड़ियों पर छोड़ दिया था और जो खेल मंत्रालय है उसने सब कुछ AITA यानी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन पर छोड़ दिया था कि वो इस बारे में फैसला लें। हम आपको याद दिला दें कि अर्जेंटीना का एक मुकाबला हुआ था इसराइल के साथ और उस मुकाबले में भी यही विवाद हो रहा था क्योंकि गाजा पट्टी को लेकर विवाद काफ़ी चरम पर था। उस समय वेन्यू को बदल दिया गया था और वेन्यू को फ्लोरिडा कर दिया गया था, यानी अमेरिका का शहर फ्लोरिडा वो उसका उसने मेज़बानी की थी इस मुकाबले की, डेविस कप का ही वो मुकाबला था। और उसके अलावा हांगकांग की टीम भी पिछले वर्षों में आई नहीं थी पाकिस्तान, और उसके अलावा 3-4 टीमें आई हैं, ये पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन का तर्क है कि कई टीमें यहाँ पर खेलने आई भी हैं तो हम तो अकेले बिना दर्शकों के भी ये मैच आयोजित करने के इच्छुक हैं अगर भारतीय खिलाड़ियों को कोई सुरक्षा का कोई खतरा लगता है। और हम इसके अलावा जितना जो अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है, मिलिट्री को प्रोवाइड किया जा सकता है, वो भी हम कराने के लिए तैयार हैं, ऐसा पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन का एक बयान सामने आया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कुल मिलाकर बहुत बात बहुत अच्छी है, ना भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से खेलने से बच रहे हैं, उनका कहना है कि वेन्यू आप कहीं और जगह शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि इस वक्त हालात खेलने के लिए अनुकूल नहीं है, और या फिर अगर ये संभव नहीं है तो इसको आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। अपने आप में मैं समझता हूँ खिलाड़ियों की चिंताएँ अपनी जगह पर जायज़ है, जब तक आप बिल्कुल फ्री माइंड से नहीं खेलेंगे तब तक आप देश के लिए आप 100% नहीं दे सकते, ये बात हर देश पर हर खिलाड़ी पर लागू होती है और यही बात भारतीय टेनिस खिलाड़ियों ने कही है। और यहाँ पर एक सियासत भी शुरू हो गई है इस बात को लेकर, क्योंकि जो कार्ति चिदंबरम हैं, जो पूर्व वित्त मंत्री जो कांग्रेस के थे पी चिदंबरम, उनके सुपुत्र हैं और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के वो उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के सामने खेल मंत्रालय ने एक तरह से घुटने टेक दिए हैं, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको मना कर देना चाहिए पाकिस्तान जाने से और साफ तौर पर स्टाई को स्थगित कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ये सब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के हाथ में है, जैसा कि खेल मंत्री किरण रिजिजू साहब जो कि पहले गृह राज्य मंत्री भी हुआ करते थे, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये द्विपक्षीय मामला होता तो वो इस पर ज़रूर कुछ फैसला ले सकते थे, लेकिन ये द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं है, बेशक दो देश खेल रहे हैं लेकिन डेविस कप से जुड़ी हुई है जो मल्टीपल कंट्रीज इसमें भाग लेती हैं और एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जे देश के लिए खेले जाने वाला, और इसमें उनका फैसला जो है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का वही अंतिम होगा। और AITA ने सब कुछ खिलाड़ियों पर छोड़ दिया है जो अपने आप में बहुत स्वागत योग्य बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो 1964 के बाद कभी नहीं हुआ, हालांकि परिणाम इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है भारत ने 1964 में 4-0 से हराया था पाकिस्तान को, और उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम पिछली बार यहाँ मुंबई आई थी 2006 में तब भी भारतीय टीम 3-2 से विजयी रही थी, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है जो उपयोगी चीज़ है वो यही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने आएँ और दोनों के संबंध बहाल हों,
लेकिन जिस तरह से क्रिकेट के मैदान पर हमने देखा वर्ल्ड कप के कई मैचेस जो हैं मेजबान देश से परहेज करते हुए कई बार 2003 में भी ऐसा हुआ था, दो मौक़ों पर ऐसा हुआ कि जब वो कहीं और जगह शिफ्ट किए गए, और उसके अलावा आपने देखा यूएई में जो कि पाकिस्तान का होम ग्राउंड है वहाँ पर क्रिकेट के मैचेस होते हैं जहाँ पर पाकिस्तान मेज़बानी करता है ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, तमाम देशों की, और वहाँ पर इस तरह के मुकाबले होते रहे हैं। तो यदि न्यूट्रल वेन्यू पर होता है तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। खैर एनीवे अपना उनका अपना फैसला है, और हम तो यही चाहेंगे कि ये मैच ज़रूर हो चाहे कहीं भी हो। इसके अलावा आपको मैं याद दिला दूं कि वीर बल वढेरा जो कि भारतीय टेनिस कोच हैं वो पाकिस्तान में जाकर कोचिंग दे चुके हैं, कई खिलाड़ियों को उन्होंने तैयार किया है। ये अपने आप में दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छी बात है। और वसीम अकरम क्रिकेट के मैदान से यहाँ भारत में आकर कोचिंग दे चुके हैं आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को, के वो बॉलिंग कोच थे। मोहम्मद शमी को उन्होंने बॉलिंग के काफ़ी गुर सिखाए हैं, उसके अलावा उमेश यादव भी उनसे काफ़ी कुछ सीखते रहे हैं समय समय पर। तो ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छा साइन है यदि इस तरह से कोचेज आदान प्रदान करें, अपने ज्ञान का इजाफा करें। और भारत में तो सौरभ गांगुली ने वसीम अकरम को भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बनाने की भी पिछले दिनों वकालत की थी। खैर ये सब तो बात हुई टेनिस से जुड़ी हुई, और टेनिस के संदर्भ में ही मैंने आपको कुछ एक उदाहरण दिए हैं। और अब बात करते हैं कराची के क्रिकेट की। जी हाँ, कराची का क्रिकेट जिसका जिक्र आते ही भारत में खिलाड़ी हैं, भारतीय खेल प्रेमी हैं, उनके चेहरे जो है बिल्कुल खिल जाते हैं, उनकी बाछें खिल जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों भाई। याद कीजिए 1997 का वो लम्हा जब राजेश चौहान भारत के जो स्पिनर थे, पुछल्ला बल्लेबाज थे, उन्होंने सकलेन मुश्ताक की गेंद पर छक्का लगाकर भारत को मैच जिताया था। और एक तरह से उस छक्के की जो गूंज थी, सिक्सर की जो गूंज थी, उसने भारतीय जनमानस के जो जख्मों पर मैं कहूँगा मरहम का काम किया था। और जो जख्म दिए थे 80 के दशक में, याद कीजिए जब चेतन शर्मा की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में शारजा में आयोजित मुकाबले, फाइनल मुकाबले में जावेद मियादाद ने छक्का उड़ाया था और अपनी टीम को चैम्पियन बना दिया था। वो जख्म जो है मैं कहूँगा उन जख्मों पर मरहम का काम किया था राजेश चौहान के उस छक्के ने। और वही मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर कराची को उस बात के लिए याद किया जाता है। और कराची का ही मैंने यहाँ उदाहरण क्यों दिया, वो इसलिए कि एक बात मैं पीछे कुछ पाकिस्तान के अखबार कुछ पढ़ रहा था, और वहाँ पर मुझे बड़ा दुख हुआ कि कराची की जो अंडर एज ग्रुप के जो तीन टीमें चुनी गई थी उसमें कराची का एक भी खिलाड़ी नहीं था। यानी पाकिस्तान की जो टीमें चुनी गई थी एज ग्रुप की, उसमें कराची का एक भी खिलाड़ी नहीं था। अब याद कीजिए वासिम बारी वहाँ से आया करते थे, वहाँ से जहीर अब्बास आया करते थे, इतने 80 के दशक के बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे, वो सब कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। वकार यूनुस हाल के वर्षों में अगर बात करें, और उनके बाद शाहिद अफरीदी ने अपना खूब नाम कमाया, वो भी वहीं से ताल्लुक़ रखते थे। अनगिनत खिलाड़ी हुए हैं, मैं कहूँगा ये तो मैंने 4-5 आपको नाम लिए जितने मुझे याद आ रहे हैं, और बाकी वहाँ से एक भी खिलाड़ी का ना चुना जाना। ये बिल्कुल वही बात है कि मुंबई की भारतीय टीम बने और उसमें मुंबई का एक भी खिलाड़ी ना हो। मुंबई जिसे क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता है, ऐसी कराची की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और सबसे विरोधाभासी बात यह है कि वहाँ पर पाकिस्तान में जो कराची की जो टीम है, कराची ने कई टूर्नामेंट जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कराची में क्रिकेट कोई ख़त्म हो गया है, कराची में क्रिकेट बहाल है, प्लेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनका ना चुना जाना कई सवाल खड़े करता है, सिलेक्टर्स पर भी उंगली उठाता है, और तमाम चीज़ें सामने आती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जहाँ से जहीर अब्बास से लेकर तमाम दिग्गज शाहिद अफरीदी तक इतने सारे खिलाड़ी निकले, वहाँ से कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए एज ग्रुप में क्यों नहीं चुना जा रहा। आपने हमें जो प्यार दिया है उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, और आपने जो कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, रिएक्शंस दिए हैं, मैं उसको आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूँगा। भारत से बलजिंदर सिंह लिखते हैं कि शुभमन गिल को टीम में क्यों नहीं लिया जा रहा। जी हाँ, मैं बिल्कुल बलजिंदर साहब आपसे सहमत हूँ। उन्होंने अभी डबल सेंचुरी भी बनाई है, और इंडिया ए की ओर से वेस्ट इंडीज़ ए के खिलाफ, और एक बहुत बड़ा पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा है। देर सवेर उनको वो टीम में आना ही है, उन्हें जिस तरह से उनके बढ़ते कदम हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। आफ्ताब अहमद लिखते हैं कि 17 वर्षीय नसीम शाह जो पाकिस्तान के स्पीडस्टर हैं उन पर आप वीडियो बनाइए, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर यानी 155 किलोमीटर तक की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। आफ्ताब साहब आपका धन्यवाद।
और इस तरह से आप अपनी राय से हमें अवगत कराते रहिए। हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में नसीम शाह पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। शेराज असगर लिखते हैं और कि शोएब अख्तर पाकिस्तान टीम के नए बॉलिंग कोच बने, बहुत अच्छी बात है अगर शोएब अख्तर इसके लिए तैयार हों, लेकिन वो तो मैं समझता हूँ इस वक्त सिलेक्टर बनने की सोच रहे हैं, कोच बनने के बारे में अभी तक उन्होंने शायद ही सोचा हो, लेकिन बनते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। मलिक अब्दुल समात लिखते हैं कि पाकिस्तान T20 की खतरनाक टीम है। जी हाँ, बिल्कुल, वो चैंपियन बनी है, वर्ल्ड चैंपियन बनी है और अगले वर्ल्ड T20 कप वर्ल्ड कप के लिए भी मैं समझता हूँ कि उसका दावा बहुत ही मजबूत है। राणा इरफान लिखते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से, जो इंडियन टीम थी वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में हारी है, उन दोनों टीमों को हमने हराया। ठीक है, अच्छी बात है, अगर हम भी आप भी इस तरह से खुश होते रहिए, हम भी इस बात से खुश होते रहेंगे कि हमने वर्ल्ड कप में आज तक हम आपसे हारे नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही तथ्य बताए हैं। मोहम्मद रिजवान लिखते हैं कि सरफराज को क्रिकेट की समझ है। जी हाँ, बिल्कुल समझ है और बहुत अति उत्साही हैं, दिन भर वो चिल्लाते रहते थे कि यहाँ बॉल डालो, यहाँ बॉल मत डालो, और शायद उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट में उनकी कुछ चलती नहीं है। जिनेश हंस लिखते हैं कि 90 के दशक के क्रिकेट पर वीडियो बनाएं और बताएं कि पाकिस्तान उसके बाद क्यों पिछड़ गया। आपका काबिले गौर सुझाव हमने लिख लिया है और इस पर हम ज़रूर अमल करेंगे और आपको इसकी सूचना भी देंगे। आलोक राज लिखते हैं कि माइक हेसन भारत के नए कोच बनेंगे। देखिए, मुझे तो मुश्किल लगता है क्योंकि जहाँ विराट कोहली चाहते हों रवि शास्त्री के लिए, तो ऐसा संभव या मुमकिन होना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। अब्दुल्ला खान लिखते हैं कि आपकी फेवरेट टीम PSL में कौन सी है, पाकिस्तान का स्टेडियम कौन सा आपको पसंद है, और आप पाकिस्तान तो ज़रूर आए होंगे। इसका जवाब तो मैं यही दूंगा कि आपके वजीर आज़म के अगर हमें न्योता देते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आऊँगा और मैं देखना चाहूँगा, पाकिस्तान के सारे स्टेडियम्स का दौरा करना चाहूँगा। और वैसे मैं आपसे एक रहस्य की बात भी खोल ही देता हूँ कि वैसे मेरे पिता और मेरे दादाजी लाहौर में रहे हैं। हसन मुर्तजा लिखते हैं कि आमिर सोहेल पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच बने, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया प्लेयर थे, अगर वो बनते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। फराज जैदी लिखते हैं कि पाकिस्तान चैनल में इंडिया के क्रिकेट के बारे में काफ़ी बात होती है। ठीक है जी, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, हम भी पाकिस्तान के क्रिकेट को उभारते हैं साथ साथ, और इंडिया के क्रिकेट के बारे में तो हम लिखते ही हैं। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने राय से हमें अवगत कराया है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने हमें प्यार दिया है, और यही एक मंच है जहां पर भारत और पाकिस्तान के दर्शक खेल प्रेमी इसे साझा कर सकते हैं, अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। मोहम्मद अख्तर, फरहाद आरिफ, हाफिज़ इम्तियाज़, अरसलान अली, जाहिद हुसैन, फैज़ान अली, वासी जान, अरशद मनशा, नॉर्वेल, इमरान सेरेजिया, तबस्सुम यासीन, अजीम तन्हा, साजिद अली, जावेद इकबाल, विको, आरिफ इकबाल, रियाज नियाज, रिजवान रमज़ान, बाबर जैन, जैद खान, अब्दुल बारिक हो गए, और उसके बाद इमरान खान, नजीम हुसैन, नदीम सलीम, मोहम्मद ताहिर, आरिफ इकबाल, वसीम अख्तर, मोहम्मद असवल, आरिफ इकबाल, रशीद नवाज, आरिफ इकबाल, चौधरी अली, नवाब मसूद, जावेद ताली, जावेद, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है और हमारे चैनल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक बार फिर से कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप प्लीज़ मत भूलिए।